आज हम आ गए हैदराबाद। आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड का सबसे फ्लफीएस्ट ऑमलेट, जिसकी मेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश है भैया। तो कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे? चार साल हुआ। चार साल हो गए। हाँ। तो भैया कैसे आइडिया आपको ये लगाने का? ऑमलेट हैदराबाद में एक्सक्लूसिव ऑमलेट स्टॉल कहाँ पे है ना? अच्छा, इसलिए वो आइडिया आया था। तो आप देखते हो उन्होंने चार अंडे इसमें डाल दिए, ये आ गया नमक। तो आप देख सकते हो अब इसको हैंड मिक्सर से मिक्स किया जाएगा एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। अंडे को फेटा जा रहा है, तो आप देखते हो 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से फेट दिया जाएगा हैंड मिक्सर के थ्रू, तभी जो इसका फ्लफीनेस है वो अच्छे से आएगा। सबसे डिमांड में क्या रहता है बोलते हो? जो लोग भी पहले बार आते हैं, मैं वाओ ब्रेड ऑमलेट और फ्लफी ऑमलेट ट्राई करो बोल के बोलते हूँ। जिनको पसंद आता है वो लोग नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्राई। और काजू भी रहता, काजू ब्रेड ऑमलेट रहता और रोस्टेड आलमंड ब्रेड ऑमलेट रहता। जो भी काजू और आलमंड है वो हम सॉल्ट में रोस्ट करते हैं। तो हमारा अंडा अच्छे से फिट चुका है, तब देखते हैं नेक्स्ट का स्टेप रहता है। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे ऑयल। तो प्राइस क्या रहता है भैया ऑमलेट का? ये 110 रुपीज़ है। 110। हाँ, 25 मिनट्स कुकिंग टाइम है इसका। तो हमारा अंडा यहाँ पे अच्छे से फिट चुका है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसको अंडे को इसमें डाला जाएगा। तो देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हमारा ऑमलेट बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये कितना फ्लफी बनने वाला है, एकदम ऊपर तक भर गया ये। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारा ये ऑमलेट बन रहा है, इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं बनने में। और देख सकते हो कितना बढ़िया ये फूल चुका है, ऊपर तक आ चुका है ये। तो हमारा ऑमलेट एक साइड से रेडी हो चुका है, अब इसको पलटा जाएगा। अब इसको दूसरी साइड से पकाया जाएगा, ऊपर से आ गया बटर, अमूल बटर रहता है इसका। तो अब कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? अभी 2 मिनट बस। 2 मिनट में। तो हमारा यहाँ पे ऑमलेट बनके रेडी हो चुका है और दोनों साइड से ऐसे पक चुका है ये। तो उसको प्लेट में निकाल लिया जाएगा। मसाला, मसाला गार्लिक चिली पाउडर, ये आ गया इस पर गार्लिक चिली पाउडर। तो हमारा ऑमलेट प्लेट पे लग चुका है, साथ में देखते क्या क्या रहता है। ये आ गया प्याज, टमाटर केचप टिफी कंपनी का। ठीक। तो फाइनली वर्ल्ड का सबसे फ्लफीएस्ट ऑमलेट यहाँ पे लग चुका है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, जैसे पिज्ज़ा का बेस होता है एकदम वैसा ही बनाया है। और अंदर जो उन्होंने गार्लिक मसाला डाला है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको उन्होंने सर्व किया है प्याज और टमाटो केचप के साथ। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो इसको मैं ट्राई करूँगा थोड़े से प्याज और टमाटो केचप के साथ। ऑमलेट मैंने बहुत जगह खाया है, बट ये ऑमलेट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी है। इसके जितना फ्लफी और सॉफ्ट ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत टेस्टी है। और अगर आप इसको प्याज और टोमेटो का जब खाओगे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ में जो उन्होंने गार्लिक डाला है उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। बात कर लीजिए इसके प्राइस की, इसका प्राइस 110 रुपये। भैया दुकान की टाइमिंग क्या रहती है आपकी? 7 o'clock to 11 o'clock। और वीक में कितने दिन ओपन रहता है ये? मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एक दिन बंद रहता, वो 3 दिन में। गूगल में देख सकते हैं, गूगल में वो ऑमलेट्स बोलता आ जाता, उसमें अगर क्लोज है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना। आइडियल लेक कुकटपल्ली, शॉप नंबर 35। ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए किसी को ऑर्डर करना। 8179-234560। तो अगर आप भी हैदराबाद रहते हो, विजिट करो और बढ़िया सा सॉफ्ट ऑमलेट खाना चाहते हो तो वाओ ऑमलेट पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। आइडियल लेक पे आपको ये शॉप मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।